मथुरा के बाद सीएम योगी आज आगरा के लिए निकल जाएंगे। आपको बता देते हैं इसके ऊपर एक बड़ा अपडेट। यहाँ वो दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं। सीएम योगी सुबह 11 बजे आगरा पहुंचेंगे, जहाँ वो पुरानी मंडी इलाके में राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं। सीएम योगी यहाँ पर अधिकारियों के साथ बैठक भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या के बाद आगरा का दौरा है, जिसमें जो जानकारी मिल रही है आज ही आगरा के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री योगी। और अब बात करेंगे राजनीति की। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय भूचाल आ रखा है, क्योंकि यहां बात योगी वर्सेस अखिलेश की हो रही है। जिस सीट पर सीएम योगी की खास नजर है, अब उसी सीट पर बीजेपी को हराने की रणनीति खुद अखिलेश यादव बना रहे हैं। कल लखनऊ में अखिलेश यादव ने अयोध्या की मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटहरी सीट को लेकर बैठक की, जिसमें उपचुनाव को लेकर नया प्लान तैयार हुआ है। दरअसल अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जीतकर बीजेपी फैजाबाद का बदला लेना चाहती है, लेकिन अखिलेश यादव इस सीट पर फिर कब्जा करके 2027 के लिए संदेश देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। वैसे तो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन जिस सीट पर सबकी नजर है वो है अयोध्या की मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कचहरी, जहां बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो समाजवादी पार्टी के लिए साख का सवाल है ये सीटें। कौन थे इसके पीछे जो अयोध्या को बदनाम कर रहे थे? और ये अयोध्या को बदनाम करने वाले वही लोग हैं जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जिन लोगों ने अयोध्या को लौलुहान किया था। दरअसल इन दोनों सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच आमने सामने की टक्कर है। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने जहां पूरी ताकत झोंक रखी है, लखनऊ में बैठक और मंथन का दौर जारी है, तो दूसरी तरफ इन दोनों सीटों की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभाले हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दोनों सीटों पर न सिर्फ नजदीक से नजर बनाए हुए हैं, बल्कि बैक टू बैक 3 बार दौरा भी कर चुके हैं। अयोध्या और अम्बेडकर नगर जिलों की समीक्षा बैठक समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज हुई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बैठक को संबोधित किया है। कुल मिलाकर के 500 से ज्यादा पदाधिकारी इन दो जिलों से बुलाए गए। खास तौर पर कटहरी और मिल्कीपुर को लेकर के इस समीक्षा बैठक में न सिर्फ बातचीत की गई है, बल्कि पार्टी ने इस बात का आश्वासन चाहा है कि तमाम पदाधिकारी इन दोनों सीटों को लेकर के ज्यादा मेहनत करेंगे। फैजाबाद लोकसभा सीट हारने के बाद बीजेपी चाहती है कि इस उपचुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा जीतकर विपक्ष के भ्रम को दूर किया जाए, और शायद यही बड़ी वजह है कि बीजेपी के संगठन और बड़े नेता लगातार मिल्कीपुर पर न सिर्फ नजर बनाए हुए हैं, बल्कि पूरे जोश के साथ इस सीट को जीतने का समीकरण सेट कर रहे हैं। वैसे जातीय समीकरण की बात करें तो मिल्कीपुर और कटहरी की राह इतनी भी आसान नहीं। यहां सबसे ज्यादा 65,000 यादव मतदाता हैं, इसके बाद पासी वोटर करीब 60,000 हैं, गैर पासी दलित 50,000 और मौर्य 8,000, मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 35,000 के करीब है, ब्राह्मण 50 और ठाकुर 25,000 वोटर हैं, चौरसिया 15,000, पाल 8,000 वोटर हैं। इस तरह मिल्कीपुर विधानसभा सीट के सियासी समीकरण को देखा जाए तो यादव पासी और ब्राह्मण तीनों जातियों के वोटर अहम भूमिका में नजर आएंगे। जो चुनाव हैं 10 विधानसभा सीटों के चुनाव हैं, लेकिन दो सीटें खासतौर से बड़ी अहम हो जाती हैं, मिल्कीपुर और कटहरी, क्योंकि ये अयोध्या के एक मिल्कीपुर तो अयोध्या की ही हिस्सा है और कटहरी अंबेडकर नगर से है, लेकिन वो जुड़ा हुआ है। तो यहां से चूंकि पहले भी बीजेपी ने जब राम जन्मभूमि वाला मुद्दा उठाया था, उसके बाद से इस जगह को उसका बड़ा सांकेतिक महत्व हो जाता है। हिंदुत्व की जो उनका प्रयोग था उस पर बड़ा डेंट लगा जब आम चुनाव के नतीजे आए और ये सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में दर्ज हो गई। तो बीजेपी की पूरी कोशिश है कि फिर से इन सीटों को हासिल करना। समाजवादी पार्टी इस सीट पर यादव मुस्लिम पासी समीकरण के सहारे जीत दर्ज करती रही है, तो बीजेपी सवर्ण वोटों के साथ दलित वोटों को साध कर जीतने में कामयाब रही। मिल्कीपुर सुरक्षित सीट होने के बाद से दो बार सपा जीत चुकी है, जबकि एक बार बीजेपी ने यहां कब्जा जमाया है। अब उसी सीट पर इस बार सीएम योगी और अखिलेश यादव आमने सामने हैं।
इस बात को समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बखूबी समझती है कि इस उपचुनाव से सरकार के बनने और बिगड़ने पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन 2027 के चुनावी आईने पर से पर्दा जरूर उठ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।